प्रभास भी अब शाहरुख खान वाले गलती करने वाले हैं, जो कि शाहरुख खान को इस गलती की वजह से बायकॉट गैंग का सामना करना पड़ा था। ये गलती जानने से पहले प्रभास की एक अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। प्रभास की कल की 2898 जो इधर रिलीज हुआ था, जो कि 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन प्रभास की कल की 2898 हिंदी में डब मूवी में सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी फिल्म बन चुकी है, जो कि पहले नंबर पे है प्रभास की बाहुबली 2 और रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 दूसरे नंबर पे है, जो कि दोनों ही सीक्वल मूवी थी, जो कि पहला पार्ट हिट हुआ था तो दूसरा फिल्म ने हिंदी में अच्छा खासा कलेक्शन किया, लेकिन प्रभास की कल की 2898 जो कि कोई सीक्वल मूवी नहीं था, पहला फिल्म ने तीसरी सबसे ज्यादा हिंदी डब मूवी कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। वहीं पे कल की 2898 ने RRR का रिकॉर्ड तोड़ा हिंदी में, जो कि हिंदी डब मूवी में सबसे ज्यादा कमाने वाली में तीसरे नंबर पे कल की 2898 आ चुकी है 277 करोड़ का कलेक्शन, जो कि RRR मात्र 272 करोड़ का कलेक्शन किया था हिंदी में। वहीं पे प्रभास की जो आने वाली फिल्म है हनुराघवपुरी के अंदर बनने जा रही फिल्म, जिसका फिलहाल नाम फौजी रखा गया है। हनुराघवपुरी वही डायरेक्टर है जिसने सीतारामम जैसी क्लासिकल लव स्टोरी फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म का नाम फिलहाल फौजी रखा गया, जो कि सिर्फ काम करने की वजह से इसका फौजी रखा गया। धीरे धीरे इसका नाम बदल भी सकता है, देखना होता है कब तक बदलता है। लेकिन इसमें गलती ये हुआ है कि इसमें जो लीड एक्ट्रेस का रोल ना अभी जिसको अप्रोच किया गया वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, जिसका नाम है सजल अली, जो कि इससे पहले बॉलीवुड में श्रीदेवी की मॉम फिल्म में काम कर चुकी है, जो कि श्रीदेवी का बेटी का रोल उस फिल्म में प्ले किया था। अब देखना होता है, उसके बाद से बॉलीवुड में कोई फिल्म में काम नहीं कर पाई। अब देखना होता सजल अली खान जो नजर आती है तो प्रभास को क्या दिक्कत होता है, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रईस में एक माहिरा खान नाम की पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम किया था, जो कि उस समय शाहरुख खान को काफ़ी बैकवर्ड गैंग का सामना करना पड़ा था, जो कि जिस कारण से वो जो थी रईस फिल्म 137 करोड़ का कलेक्शन किया था सिर्फ इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड मात्र 200 करोड़ का कलेक्शन करके सिर्फ हिट साबित हुआ था, जो शाहरुख खान की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिजर्व करती थी, इतना जबरदस्त फिल्म था। अब देखना होता प्रभास की जो फिल्म आने वाली इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस नजर आने वाली है तो कैसा प्रभास के साथ होता है। लेकिन प्रभास को एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, कल की 2898 में एक बाबा जो थे जो कि केस कर दिया कि हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने की वजह से, और वहीं प्रभास अब अपनी अगली फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे तो प्रभास को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन प्रभास को सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभास का फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है, उसका फिल्म का बजट तो पहले दिन कमाई कर लेती है। जिस तरह से उसका फैन बेस है, पहले दिन 150 करोड़ 200 करोड़ प्लस का कलेक्शन करता है। जैसे आदिपुरुष इतनी बकवास फिल्म थी, पहले दिन 140 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। सोच सकते हैं प्रभास की फौजी फिल्म जिसका डायरेक्टर है उसका फिल्म का बजट होगा 200 करोड़, और प्रभास की फैन फॉलोइंग इतना जबरदस्त है कि पहले या दूसरे दिन में अपना बजट निकाल लेंगे तो प्रभास को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं फौजी फिल्म जो होने वाली है, जो कि काफी अलग फिल्म होने वाली है, और प्रभास भी इस फिल्म में काफी अलग अवतार में नजर आने वाले हैं, और प्रभास अपनी हर फिल्म में कुछ नया ही एक्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभास की हमें राजा साहब फिल्म देखने को मिलेगा, उसके बाद संदीप निभंगा के साथ स्पीड पे काम चल रहा है, फिर कल की सिनेमेटिक यूनिवर्स का फिल्म आने वाला उस पर काम करेंगे, फिर प्रशांत नील के डायरेक्शन बने जा रही सलार का सीक्वल सलार 2 पे काम करेंगे। प्रभास आखिर किस पे काम करेंगे ये प्रभास को भी पता नहीं होगा। प्रभास की इतनी लाइनअप खतरनाक है ना, ऊपर से जितना भी कल की 2898 1000 करोड़ का कलेक्शन किया, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है सबका जो था ना वो भरोसा प्रभास जीत लिया। प्रभास ही अब अकेले सब पे राज करने वाले हैं, और प्रभास की देख सकते हैं सलार भी सुपर हिट हुआ, कल की 2898 ब्लॉकबस्टर साबित हो गया, अब तो इसकी आने वाली फिल्म हर ब्लॉकबस्टर जाएगी तो लगता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।